मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले व होली के त्योहार के मद्देनजर जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आया। कटनी कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने झंडा बाजार, रेलवे चौराहे व भीड़ भाड़ इलाकों में कोविड 19 के नियमों का पालन करने को कहा। साथ ही बिना मास्क लगाए हुए लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। वहीं मिश्रा जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे बचने के लिए उपाय, मास्क लगाए, भीड़ भाड़ से दूरी रहे और बार बार हाथ धोते रहे। इसमें एसडीएम बलवीर रमन, कोतवाली डीआई विजय विश्वकर्मा अपने स्टाफ के साथ मौजूद रहे और लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। व कटनी एसपी ने होली के त्योहार को देखते हुए सभी से शांतिपूर्ण व्यवहार से त्योहार मनाने की अपील की है। देखिए, आज होली त्यौहार के जैसे पहले हम लोग शहर रोड में निकले हैं और जनता से यही अपील कर रहे हैं। हम लोग मास्क बांट रहे हैं और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि ये होली का त्यौहार मेलजोल का त्यौहार है, लेकिन मेलजोल एक दूसरे से बढ़ाने के बहुत तरीके हैं। अभी ये चूँकि परीक्षा की घड़ी है, हम सभी अपने परिवार के साथ अपनी होली मनाएं। मेरा परिवार मेरी होली की एक स्पिरिट के साथ हम लोग इस होली को मनाएं और कम से कम बाहर निकलें और कम से कम लोगों से फिजिकल टच में आएँ, जिससे कि हम कोरोना के इस जो संक्रमण का काल है इसमें सुरक्षित रूप से इस संक्रमण से बाहर निकलें। देखिए, गाइडलाइन सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सबको पता है। गाइडलाइन केवल इतनी है कि फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और अपनी सावधानी ही सुरक्षा है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम लोग प्रतिदिन पूरा प्रशासन इसलिए फील्ड में निकल रहा है कि अब ये लड़ाई जो है ये अकेले हम प्रशासन के निर्देशन पे नहीं लड़ी जा सकती, इसमें जनता का पूरा सहयोग चाहिए। और अभी तो हम लोग समझाइश और एक तरीके से एक माहौल बनाने के लिए कि भाई मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वो कर ही रहे हैं, क्योंकि आज होली का बाज़ार लगा है तो निकलना और ज़रूरी हो गया था। लेकिन जैसा बाज़ार में निकलने पर दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि दो तीन दिन हम लोग माहौल तो बनाएंगे, लेकिन चालानी कार्रवाई भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को उनके स्वास्थ्य के लिए कड़े निर्णय लेने भी कभी कभी ज़रूरी हो जाते हैं, तो चालानी कार्रवाई भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। परंतु मुख्य बात यह है कि सबको अपने स्वास्थ्य की स्वयं चिंता करनी है। मास्क जो है गमछे के रूप में, कपड़े के रूप में सबके पास उपलब्ध रहता है, बस ध्यान देना है, किसी को दिखाने के लिए मास्क नहीं पहनना है, अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहनना है। तो आम जनता में भी यही भाव आए, इसीलिए हम लोग फील्ड में निकल रहे हैं पूरे प्रशासनिक अमले के साथ। और आप लोगों के भी माध्यम से यही मैसेज है कि होली मनाएं, सुरक्षित होली मनाएं, परिवार के साथ होली मनाएं, बहुत बड़े स्तर पे सामाजिक कार्यक्रम ना करें, उस तरीके का माहौल नहीं है। कटनी जिले में भी केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। वो ट्रैफिक टीआई और संबंधित एसडीएम और नगर निगम अपने स्तर पर व्यवस्था कर लेंगे, अगर कहीं भीड़ भाड़ बढ़ेगा तो वो डाइवर्जन कर दिए जाएंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।